इसे तरह जिहड़े बंदे रमदान दा कयाम करनगे यानी अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करनगे अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जनाब कयाम करन वाले बंदे अल्लाह हू अकबर अल्लाह उहनां दे वी गुनाह माफ कर देवेगा। रमजान भी अजमत वाला है, कुरान भी अजमत वाला है। रमजान की भी बड़ी शान, कुरान की भी बड़ी शान। अल्लाह अकबर रोजे रखने ने सोने रमजान मुबारक दे। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने जिहड़ा रोजेदार बंदा अल्लाह की रजा वास्ते रोजा रखता है कितने अमाल ने ना तुसी जानते हो चीज नु अमाल अल्लाह अकबर ने कमाले ना दे अजर तहरीर किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने असी तुहाडे कंधियां ते अपने फरिश्ते मुसल्लत कीते ने। अल्लाह अकबर तुहाडे कंधियां ते अल्लाह ताला ने किरामन कातिबीन बिठाए, किरामन कातिबीन बिठाए ने। एक तुहाडियां नेकियां दर्ज कर रहा होंदा है, एक तुहाडियां बदियां दर्ज कर रहा होंदा है। गुनाह भी लिखे जा रहे ने ते नेकियां भी लिखियां जा रही ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने दुनिया कायनात दे लोगो जदों मेरे पाक पैगंबर ने ऐलान फरमाया जदों कोई बंदा अल्लाह की रजा वास्ते रोजा रख लैंदा अल्लाह की रजा वास्ते अल्लाह अकबर रोजा रखदा है ते फिर ये बंदे दा अमल जनाब लिख दिता जाता है। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह नूं सवाल करदे कहना रब्बा नमाज़ दा अजर तेना लिखना है, ज़कात दा अजर तेना लिखना है, सदके दा अजर तेना लिखना है। अल्लाह जी रोजा तेरे बंदे रखे हुण रोजे दा अजर किन्ना रखना, रमदान दा फर्दी रोजा तेरे बंदे रख ले। अल्लाह को अकबर अल्लाह फरमाते ने फरिश्ते रख दो इस डायरी नूं, छड्ड दो इन्हां कलमां नूं। अल्लाह को अकबर तुहाडे वास दी गल नहीं है, तुसीं हुण इहदा अजर तहरीर नहीं कर सकते। अल्लाह जी सारे अमाल असीं लिखने, अल्लाह तेरी रहमत तेरा लिखने ते रोजे दका दे रही। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे ने रोजा भी मेरे वास्ते रखे। अल्लाह को अकबर ते मैं अजर भी आप पता करांगा। अल्लाह को अकबर कोई लिखण की लोड़ कोई नहीं, मैं अपने बंदे नूं बगैर हिसाब नूं अजर अता करना है। अल्लाह को अकबर रोजे की इतनी फजीलत, अल्लाह के कुरान की बात आई। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम फरमाते ने लोगो कुरान का एक एक हरफ पढ़न दियां अल्लाह ताला दस दस नेकियां अता कर दे। ते मैं तुहानूं इह नहीं आंदा कि अलिफ लाम मीम, अल्लाह अकबर एक लफ्ज़ है, बल्कि तीन लफ्ज़ ने जिहड़ा बंदा इखलासे नीयत दे नाल अल्लाह दा कुरान समझ के अल्लाह अकबर कुरान दे तीन लफ्ज़ पढ़ेगा अल्लाह अकबर अलिफ लाम मीम, अल्लाह ताला उस बंदे नूं तीन नेकियां अता करनगे। इधर भी नेकियां दे अंबार, उधर भी नेकियां दे अंबार, इधर भी अजरे अजीम, उधर भी अजरे अजीम। रमजान दे रोजे रखेगा अल्लाह तेरे ते राजी होएगा, अल्लाह का कुरान पढ़ेगा अल्लाह तेरे ते राजी होएगा। अल्लाह को अकबर बड़े बड़े इन्हां दे फायदे। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने कल कयामत का दिहाड़ा होएगा, इंज करके अल्लाह की अदालत के अंदर लोगों को लियांदा जाएगा। अल्लाह को अकबर रोजेदार भी आ गया, कुरान पढ़ने वाला कुरान का कारी भी आ गया, अल्लाह को अकबर आ गया रोजा रखने वाला, रात को कयाम करने वाला, अल्लाह की रजा वास्ते अल्लाह की अदालत अंदर आ गए। अल्लाह को अकबर अजे इन्हों का जनाब हिसाब किताब शुरू होने लगा है। अगे बद्या रोजा तो कहना कहना रब्बा मैं रोजा वा जिन्हों तू मोमन बंदे ते फर्ज किया, अल्लाह जी मैं रोजा मैं सियाम। अल्लाह को अकबर हाँ तू की कहना चाहना है, अल्लाह जी है तेरा बंदा जरा तेरे सामने खड़ा होया है। अल्लाह को अकबर कहना प्या रब्बा मैं इनकी सिफारिश प्या करना, कादे लिए सिफारिश करना है, अल्लाह जी तू मैनू ये दे फर्ज किया, अल्लाह इन्हें मैंने बड़ी चंगी तरह निभाया, सारा दिन सामने बड़े बड़े बेहतरीन खाने तैयार पे होंगे सन, ये सामने बड़े बड़े जनाब खाने होंगे सन, बड़े बड़े मशरूबे के सामने आते सन, मगर ये किसी चीज़ को हाथ नहीं सी लाता। अल्लाह जी मजलस के अंदर भी नहीं सिखाता, तनहाई अंदर जाके भी नहीं सिखाता। अल्लाह जी इनू कोई रोकण वाला नहीं सी आता, कोई टोकन वाला नहीं सी आता, मगर फिर भी ये नहीं सिखाता। कादे लई मैं अल्लाह की रजा वास्ते रोजा रखा है, मैं अल्लाह की रजा वास्ते रोजा रखे। अल्लाह जी तेरी रजा वास्ते तेनू राजी करने वास्ते दे सामने सारा कुछ मौजूद सी, पर इन्हें कहना प्या रब्बा भुख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, पर मैनू ना तोड़िया, अल्लाह मैं सिफारिश करना, मेरी सिफारिश कबूल फरमा। आका फरमाते ने अल्लाह ताला रमजान की सिफारिश कबूल फरमा लैणगे। अल्लाह हू अकबर यानी रोजे की सिफारिश अल्लाह कबूल फरमा लैणगे। इसे तरह फिर कुरान अगे आ जाएगा, अल्लाह का कुरान। अल्लाह हू अकबर कहना प्या
ਰੱਬਾ ਐ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆ ਸਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਆਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਆਪਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈਣ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਲੋਕੋ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪਾਕ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਜਰ ਤੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗੁਨਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮੋ ਸਿਆਮ ਲੈ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮੋ ਸਿਆਮ ਲੈ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਲਮ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਬਾ ਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪਾਕ ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਸਰਕਸ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਕੜੇ ਜਾਣ ਗਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਬਚਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ, ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੌਲਾ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ, ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੁਕਮ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ, ਉੱਠ ਪੜ ਵੇਖ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ
चाहते नहीं। अल्लाह को अकबर मैं समझना सुने अल्लाह चाहते नहीं मेरे बंदे मैं जन्नत के दरवाजे खोल दिए आ जा आ जा मेरी जन्नत वाल सफर कर ले आ जा तू नेकियां कमा के जन्नत का दाखला हासिल कर ले मैं जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए ने हुण ते बाद आ जा हुण ते जहन्नम वल ना जाना हुण ते जहन्नम दा ईंधन ना बन। अल्लाह को अकबर फिर एक मुनादी करने वाला मुनादी करदा ओ दुनिया वाले ओ कायनात वाले नेकियां कमा लो नेकियां दी तरफ आ जाओ। अल्लाह को अकबर ते ओ बदियां करने वाले ओ बदियां तो बाद आ जाओ। अल्लाह को अकबर अल्लाह दी जहन्नम तो बच जाओ। हज़रात तवज्जो करना गौर करना रमजान दा महीना नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम फरमांदे ने दुनिया कायनात दे लोगो यो महीना है के जी कोई ऐसी रात नहीं जदों अल्लाह ताला किसी जहन्नम जनाब लोग अपने बंदियां नूं जहन्नम तो आजाद ना कर दे होवन। अल्लाह रोजाना अपने बंदियां नूं जहन्नम तो आजाद कर दे। अल्लाह को अकबर इफ्तारी दा ऐलान दे। अल्लाह को अकबर अल्लाह ताला अपने बंदियां नूं जहन्नम तो आजादी अता कर दे दे। इस बंदे मेरी रजा वास्ते रोजा रखिया इस बंदे मेरी रजा वास्ते कुरान पढ़िया सारा दिन इन्हें चुगली नहीं की थी इन्हें गीबत नहीं की थी इन्हें लोगों का हक नहीं मारिया दगा नहीं किया। अल्लाह को अकबर ये भी गल जहन अंदर रखो रोजा। अल्लाह को अकबर रोजा रख के फिर बेईमानियां नहीं करनिया लोगों के नाल बदतमीजियां नहीं करनिया। अल्लाह को अकबर ये गल मैं अगले खुतबे के अंदर मकसद सयाम अंदर तेरे सामने रखागा। अल्लाह को अकबर आओ लोगो तवज्जो करना मैं जांदियां जांदियां मैं पैगाम देवां माहे रमजान दा मुबारक ते मुकद्दस महीना है। इस महीने नूं खुदा रा जाया ना करो बर्बाद ना करिया जी। अल्लाह दी रहमतां लुट लिया जी नेकियां दा मौसम बहार आ गया जी। अल्लाह को अकबर अल्लाह नूं मनाण दा बेहतरीन मौका आ गया मना लो कायनात दे रब नूं। नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे इस महीने दे अंदर मेरे सहाबा जिहड़ा महीना तुहाडे ते आ रहा है मेरे हुज़ूर फरमांदे ने ओ मेरे यारो ए माहे रमदान दा जिहड़ा महीना वे इहदे अंदर एक रात इंज दी कायनात दे रब ने बणाई है। अल्लाह को अकबर जिहड़ी हज़ार महीनियां दी इबादत तों अफज़ल है। अल्लाह को अकबर जिहड़ा बंदा इस रात दी खैर बरकत तों महरूम हो गया वो हर किस्म की खैर तो महरूम हो जाएगा। अल्लाह को अकबर यानी वह बदनसीब बंदा वे जिहड़ा रमजान के महीने के अंदर भी रहमत ना लुट सकिया बरकत ना लुट सकिया। रमजान का महीना तो एडा बबरकत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हज्जतुल विदा अल्लाह को अकबर अदा करके तेरे पैगंबर मदीना पाक के अंदर गए रहे। अल्लाह को अकबर एक सहाबिया अंसारिया बीवी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सहाबिया वे सैयदा सनान अल्लाह अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी की सहाबी आए अल्लाह के रसूल ने वेख्या फरमाया बीवी अल्लाह की बंदी तू अल्लाह के घर हज करने वास्ते कादे नहीं गई। अल्लाह अकबर तू अल्लाह के घर का हज कर आउंदी औरत कहन लगी महबूबा दिल बड़ा करदा सी जी बड़ा चाहता सी मगर साढ़े को दो ही ऊंठ ने। अल्लाह अकबर एक नूं लै के मेरा खावन तुहाडे नाल हज करने वास्ते चला गया ख्वाहिश मेरी ही बड़ी सी मैं तुहाडी रफाकत के अंदर हज करांगी मगर मौला नूं इंज जवाब मंजूर नहीं सी। अल्लाह अकबर आका जी एक ऊंट है जिंदे नाल फसलां सैराब होंदियां ने अगर मैं भी चली जाती फसलां सुक जांदियां। अल्लाह अकबर नबी पाक फरमाते ने बीबी फिर गल सुन गम ना कर परेशान ना हो इंज कर माहे रमजान दा महीना आन वाला है जो रमजान दा महीना आ जावे क्योंकि रमजान दे अंदर बैतुल्ला दा उमरा अदा कर ली अल्लाह ताला इंजी तेनू सवाब देवेगा जिवें तू मेरे नाल रल के हज कर लिया होवे। रमजान मुबारक दे अंदर उमरा अदा करना इंजे जिवें नबी पाक नाल रल के हजे बैतुल्ला अदा दुआ करो अल्लाह सानू सारे नाल लै जाए हज करना चाहते हो। असी सारे दुआवां मौला अज कर दे मौला साडिया नसीबां विच हज कर दे। असी सारे दुआवां अल्ला अज कर दे रब्बा साडिया नसीबां विच हज कर दे। मक्के ते मदीने दियां करिए ज़ियारतां खाने काबे विच बैके करिए इबादतां। मक्के ते मदीने दिया करिए ज़ियारतां खाने काबे विच बैके करिए इबादतां। है रही
करीम ऐ करीम अच्छा सब कर दे है रहीम ऐ करीम अच्छा सब कर दे मौला साड़िया नसीबा विच हज कर दे सोने नबी पाक मेरे एहो फरमांदे ने हज कर लईए ते गुनाह चढ़ जांदे ने हज कर लईए ते गुनाह चढ़ जांदे ने तू जे चावे ते डुबे होए बेड़ तर दे मौला साड़िया नसीबा विच हज कर दे गुनाहगार अख मेरी दिन राती रोवे गुनाहगार अख मेरी दिन राती रोवे अमाल नामा मौला मेरा सज्जे हाथ विच होवे अमाल नामा मेरा मौला सज्जे हाथ विच होवे सज्जे हाथ विच होवे चोली नेकियां दी चोली नेकियां दी चोली अमल वाली नेकियां दे नाल भर दे मौला साड़िया नसीबा विच हज कर दे मरण तू पहला मैं करा रोजे दा दीदार मैं मरण तू पहला करा रोजे दा दीदार मैं कुल सिरात सौखा लंघ जा पार मैं कुल सिरात सौखा लंघ जा पार मैं दूर साढ़े कोलों दोज खांदी अग कर दे मौला साड़िया नसीबा विच हज कर दे शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान रमजान आ गया रहमत बरकत आला नेकियां कमाओ मौला नु मना लो कुरान पढ़ो अल्लाह राजी हो जाएगा परेशानियां मुक जान गी इंशाल्लाह अल्लाह को दुआ है जो सुनिया सड़ाया अल्लाह सानू सारे नु अमल दी तौफीक अता फरमाए।